एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग बाइक तो चलाते ही हो, लेकिन जब आप रोड में चलाते हो तो जो रोड होता है वो हमेशा दोस्तों स्मूथ नहीं होता है, उसमें अनइवन सरफेसेस रहता है, आपको आपकी बाइक को बम्प से क्रॉस करना पड़ता है। तो जब आप बम्प से क्रॉस करते हो, जब आपकी बाइक बम्प से क्रॉस करती है तो आपको कंफर्टेबल फील होता है, इतना झटका नहीं लगता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि आपके बाइक में दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसके वजह से आपको उतना झटका नहीं लगता है। जब कभी भी आप कोई भी मडी सरफेसेस हो या फिर उबर खाबड़ रास्ते में आपकी बाइक जो है वो जाती है, राइट? तो उस सस्पेंशन सिस्टम का दोस्तों मेन दो कंपोनेंट्स रहता है, जो होता है एक स्प्रिंग होता है और दूसरा होता है डैम्पर या फिर शॉक एब्जॉर्बर, राइट? तो स्प्रिंग दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बाइक में आपका लिफ्ट स्प्रिंग यूज, बाइक में स्पेशली आपका कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ऐसे देखिए ऐसे टाइप का स्प्रिंग यूजली यूज किया जाता है, वरना दूसरे गाड़ियों में भी लिफ्ट स्प्रिंग का यूज किया जाता है, राइट? तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि स्प्रिंग लगाने से भी हो जाता है, तो फिर ये शॉक एब्जॉर्बर को क्यों लगाते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करती हूँ। देखिए, जब कभी भी आपकी बाइक दोस्तों कोई भी बम्प से क्रॉस करता है तो क्या होता है कि क्रॉस किया तो आपकी जो गाड़ी में जो स्प्रिंग लगाया जाता है वो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। फिर जब बम्प क्रॉस कर गया तो स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है। लेकिन मान के चलिए कि आपकी गाड़ी में दोस्तों डैम्पर का यूज नहीं किया जाता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है अपना ओरिजिनल पोजीशन को आने में उसको बहुत टाइम लगेगी। अगर मैं एम्पलीट्यूड टाइम का बात करूं, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, तो स्प्रिंग क्या करेगी, वो ऊपर मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा ऐसे स्टेबल होने में, राइट? उसको बहुत टाइम लगेगा दोस्तों स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, ओके? वो स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन को आने के लिए, तो उससे क्या होगा, जो भी इंजन के कंपोनेंट्स हैं उनमें एक शॉक जनरेट होगी, फिर जो गाड़ी में जो भी पैसेंजर बैठे हैं, जो भी ड्राइवर बैठे हैं, उनको एक वाइब्रेशन फील होगी, जो कि बहुत ही दोस्तों अनकंफर्टेबल है। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होती है कि हम लोग डैम्पर या फिर शॉक एब्जॉर्बर को यूज करते हैं। डैम्पर और शॉक एब्जॉर्बर या फिर शॉक एब्जॉर्बर को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये डैम्पर क्या करेगा, तुरंत ही वो स्प्रिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर ये स्प्रिंग को दोस्तों बहुत ही दोस्तों कम टाइम में उसको स्टेबिलिटी कर देगा, उसको स्टेबल कर लेगा, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि आपको तुरंत ही एक कोई महसूस नहीं होती है, इतना वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती है, पैसेंजर कंफर्टेबल रहते हैं, और जो भी दोस्तों इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें शॉक जनरेट नहीं होती है, वो शॉक में जनरेट नहीं होती है, इंजन की जो कंपोनेंट्स है उनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है उसके वजह से दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एक शॉक, बहुत टाइप के ऐसे शॉक एब्जॉर्बर है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का, जो कि ज्यादातर बाइक में आपको देखने को मिलती है। इसका कंस्ट्रक्शन हम डिस्कशन करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है ना, वो इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको जब सेमिस्टर की एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर की दोस्तों बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है कंस्ट्रक्शन, मैं पहले आपको कंस्ट्रक्शन की बात करूंगी। देखिए, ये जो एंड होता है ना, ये एक एंड उसका एक्सल के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरा एंड दोस्तों चेसिस फ्रेम के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट? अब देख लो, ये ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का ट्यूब होता है ना, यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिंग रॉड भी रहता है, आप ऐसे तो नहीं देख पाओगे लेकिन अंदर रहता है कनेक्टिंग रॉड, ओके? और ये जो व्हाइट कलर का सिल्वर कलर का आप देख रहे हो ना, यहाँ पर दोस्तों रहता है दो सिलेंडर, ओके? यहाँ पर जो दिखाया गया है उसका अंदर पार्ट, ओके? ये होता है, ये जो पहला वाला देख रहे हो आप, ये आउटर सिलेंडर होता है, और ये दूसरा वाला जो है ये इनर सिलेंडर रहता है दोस्तों,
ओके। और यहां पर आप देख रहे हो कि दो वाल्व्स लगे रहते हैं, दो नॉन जो नॉन रिटर्न बोल रहे हो, ये रिटर्निंग वाल्व्स है, टू वे वाल्व है। ओके, ये टू वे वाल्व है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है। ओके, और यहां पर दोस्तों ग्लैंड लगाया रहता है। ये ग्लैंड क्यों रहता है, ताकि कोई भी ऑयल अगर बाहर जाने की कोशिश में करे तो ये ग्लैंड क्या करता है, उसको इसी पैसेज में दोस्तों रिटर्न कर लेता है टू द सिलेंडर। ओके, कोई भी ऑयल हो। ओके, तो यहां पर दोस्तों ऑयल, यहां पर आप देख रहे हो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब यहां पर ऑयल है जो ट्रांसमिशन और टर्बाइन ऑयल के एक सर्टन रेशियो में रहता है ये ऑयल। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाती हूं, राइट। तो जब भी दोस्तों आपकी बाइक एक बंप को क्रॉस करती है तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये आए है, वो एक फोर्स जनरेट होती है। जब भी कोई बंप क्रॉस करती है तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होती है, यहां पर भी दोस्तों एक फोर्स जनरेट होती है। तो जिसके वजह से क्या होती है, ये जो ऑयल है ना, इसमें एक प्रेशर जनरेट होती है। ये ऑयल चाहता है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो ये चाहेगा कि मैं बाहर चला जाऊं। कैसे, कौन सा रास्ते में एक बाहर चला जाऊं। ओके, क्योंकि यहां पर तो प्रेशर जनरेट होगी, तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, चाहेगा कि मैं बाहर चला जाऊं। तो कैसे बाहर जाएगा वो, ये वाल्व की मदद से, ये दोनों वाल्व की मदद से वो चाहेगा कि मैं बाहर चला जाऊं। पहले क्या होगा, ये वाल्व V1 खुलेगा और ये फ्लूइड क्या करेगी, ऊपर जाने की कोशिश में रहेगी। ओके, ये जो वाल्व है ना, ये इरेजर को, अच्छा सुनो, ये जो वाल्व V1 है, इससे क्या होगी, ये जो फ्लूइड है ये बाहर जाने की कोशिश में करेगी, पहले ये स्पेस पे ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगी, राइट। तो फिर और जो भी ऑयल बचा हुआ होगा, यहाँ पर जो भी जो फ्लूइड है वो बच गया होगा, ये क्या करेगा, वाल्व V2 के थ्रू ये भी बाहर चले जाएगा। कहाँ जाएगा वो, आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में जो गैप रहता है वहां पर चला जाएगा, राइट। तो उसके वजह से यहाँ पर एक वैक्यूम जनरेट होगी, और वैक्यूम जनरेट होने के कारण ये कनेक्टिंग रॉड जो है, या फिर पिस्टन रॉड जो है, वो क्या करेगी, यहां नीचे की तरफ आ जाएगी। ओके, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको एकदम सा कुछ भी महसूस नहीं होता है, कोई भी जो भी कोई बम्प आती है तो आपको वाइब्रेट फील नहीं होती है। ये क्या करेगी, ये एक वैक्यूम जनरेट होगी, वैक्यूम जनरेट होने के कारण क्या होगी कि ये कनेक्टिंग रॉड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ओके, इतना तक समझ में आ गया। फिर क्या होगा, फिर जो है ये बम्प तो क्रॉस करेगा, बम्प जब क्रॉस करेगा आपका बाइक, तो क्या होगा कि ये पिस्टन रॉड क्या होगा कि उसको जो है ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाएगा, अभी ऊपर जब अभी बम्प जब क्रॉस कर लिया तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड जो बाहर चले गए थे, जो यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है और यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है, ये क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, ये सब वापस आने स्टार्ट लगो हो जाएंगे इस स्पेस में दोस्तों, वापस आ जाएंगे। जब ये दोस्तों वापस आ जाएंगे तो एक फोर्स जनरेट करेंगे, और एक फोर्स जनरेट करने के कारण ये कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि आपको दोस्तों इतना वाइब्रेशन फील नहीं होता है जब कभी भी आपकी बाइक दोस्तों एक बम्प को क्रॉस करता है। ओके, आई होप दोस्तों ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर के बारे में आपका जितने भी डाउट्स है इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी दोस्तों कुछ डाउट्स रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मैं यहाँ पर ही वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।